हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन में उत्परिवर्तन। यह आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर टू का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। म्यूटेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि म्यूटेशन क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम फिर से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, म्यूटेशन इट इज़ एनी सडन चेंज अकरिंग इन हेरिडिटरी मटीरियल इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। यानी किसी भी आनुवंशिक गुणों में अचानक से कोई चेंजेस आ जाना, बदलाव आ जाना म्यूटेशन कहलाता है। यह म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी उदासीन भी हो सकता है। DNA इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल दैट रेप्लिकेट्स विद अमेजिंग एक्यूरेसी सम एरर ऑफ रेप्लिकेशन टू अकर। जो DNA होता है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जिसमें रेप्लिकेशन की सबसे ज़्यादा पावर होती है। थोड़ी अब है हिस्ट्री कि म्यूटेशन की जो इतिहास है उसके बारे में देख लेते हैं। 1901 में ह्यूगो डेविस साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने प्लांट था एक ओइंथेरा लैमार्कियाना प्रिमरोज, उस प्लांट पे सडन चेंजेस देखे, उसके फिनोटाइप चेंजेस देखे, यानी बाहरी रूप में उसमें क्या क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले जो म्यूटेशन के बारे में खोज की वो ह्यूगो डेविस ने की थी। उसके बाद 1904 में TH मॉर्गन आए थे जिन्होंने रेड आई, लाल आंखों वाली जो ड्रोसोफिला थी उन मक्खियों के अंदर वाइट आई वाली ड्रोसोफिला भी देखी। जो वाइट आई थी वो म्यूटेशन की वजह से हुई था। 1928 में HJ म्यूलर ने सबसे पहले फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सरे से उसमें म्यूटेशन इंड्यूस किया था, आर्टिफिशियली इंड्यूस किया था। अब है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कि म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं। मेनली म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, आज हम जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जीन में मेनली क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड, चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, जिनमें चेंजेस होता है कोई अदर न्यूक्लियोटाइड से, या फिर उन न्यूक्लियोटाइड में एडिशन भी हो सकता है, यानी जुड़ भी सकता है और उसमें से घट भी सकता है, जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन होते हैं। जीन म्यूटेशन इज डिफाइंड एज एन अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA। DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, उन सीक्वेंस में कोई भी म्यूटेशन किसी भी जीन में हो जाता है। दिस चेंजेस कैन अफेक्ट ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर और ए लार्ज जीन सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम। जब म्यूटेशन होता है तो वो किसी न्यूक्लियोटाइड पेयर में चेंजेस, बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी तीन प्रकार से होता है, जिसमें पहला है साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। नाम से ही पता चल रहा है, साइलेंट यानी कि बिल्कुल साइलेंट होने वाला, मिससेंस यानी किसी रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड में या रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड उसमें चेंज हो जाना मिससेंस, और नॉनसेंस यानी कि स्टॉप कर देना किसी भी सीक्वेंस को जिसका आगे कोई भी यूज़ ना हो। फ्रेम शिफ्ट में दो टाइप होता है, इंसर्शन और डिलीशन, यानी कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन होना यानी ऐड होना, या किसी न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो जाना। ऐसे ही बेस सब्स्टिट्यूशन भी दो टाइप का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। अब हम पहले पढ़ते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। यह सबसे कॉमन टाइप का म्यूटेशन होता है, इसको कभी कभी हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में चेंजेस होता है। पॉइंट म्यूटेशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है, साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस। पहला है साइलेंट म्यूटेशन, इसके अंदर क्या होता है, द चेंज इन वन कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड इनटू द अनदर कोडन फॉर द सेम अमीनो एसिड। यानी कि
इसके अंदर एक कोडन होता है, किसी एक कोडन में चेंजेस होता है और जो चेंजेस होगा वो दूसरे कोडन में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों कोडन सेम प्रकार के अमीनो एसिड के बारे में बताते हैं। साइलेंट म्यूटेशन आर ऑल्सो नोन एज सिनोनिम्स म्यूटेशन, यानी कि एक तरह के समरूपी म्यूटेशन होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ग्लूटामिन अमीनो एसिड का जो कोडन है वो है GAA, इसमें ए के अंदर साइलेंट म्यूटेशन हुआ है, जो ए है वो जी में कन्वर्ट हो गया है, जी के अंदर कन्वर्ट हो चेंज हुआ जो जी, तो नया कोडन बना जो है GAG, जो भी ग्लूटामिन अमीनो एसिड को ही कोड करता है। यानी कि कोडन में एक अमीनो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, लेकिन जो नया जो कोडन बना है वो भी पुराने वाले कोडन की तरह ही सेम अमीनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, तो इसलिए इसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। सेकेंड है मिससेंस म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होता है, द कोडन ऑफ फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू द कोडन फॉर अनदर अमीनो एसिड, यानी कि इस कोडन के अंदर अगर एक अमीनो एसिड में चेंज होता है तो जो नया कोडन बनता है वो नए अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। मिससेंस म्यूटेशन आर समटाइम्स कॉल्ड एज नॉन सिनोनिम्स म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन को नॉन सिनोनिम्स म्यूटेशन भी कहते हैं। अब इस हम डायग्राम में देख सकते हैं कि CAT, ये वाला जो पोर्शन है CAT, जिसके अंदर जो हिस्टेडिन अमीनो एसिड की कोड करता है, अब हम इसमें CAT में जो एडिनिन को चेंज करके साइटोसिन अमीनो एसिड इसमें ऐड कर दे, जो एक अलग ही अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखता है, जो कि PRE अनदर अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखता है। यानी कि जो पहला जो वाला अमीनो एसिड वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और दूसरे अमीनो एसिड उसमें ऐड हो जाता है, तो इसे हम बोलेंगे मिससेंस म्यूटेशन। तीसरा है नॉनसेंस म्यूटेशन। नाम से पता चल रहा है नॉनसेंस, यानी कि कोई जो आगे अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। द कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड चेंज इनटू ए ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडोन, यानी कि जो अमीनो एसिड में चेंजेस होगा, जिस कोडोन के अमीनो एसिड में चेंजेस होगा वो कोडोन स्टॉप कोडोन की इंफॉर्मेशन रखेगा, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसा कि अब इस डायग्राम दिया हुआ, ऊपर एक अमीनो एसिड सीक्वेंस दी हुई है, कोडोन का सीक्वेंस दिया हुआ है CAG, जो एक GIN अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखता है। अगर इसमें CAG में सी को चेंज करके टी इसमें ऐड कर दिया जाए, टी को बदलाव कर दिया जाए, तो ये TAG एक नया कोडन बनता है, जो कि स्टॉप कोडन होता है, जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया को बंद कर देता है, जिससे कि आगे की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, तो इसलिए नॉनसेंस म्यूटेशन को स्टॉप म्यूटेशन भी कहते हैं। अब है सेकेंड, पहला हमने पढ़ लिया था पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स व्हेन एडिशन और लॉस ऑफ DNA बेस चेंजेस ए जीन रीडिंग फ्रेम, यानी कि जीन का एक रीडिंग फ्रेम होता है जिसके अंदर DNA के अंदर बेस सीक्वेंसेस या तो ऐड होते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा रीडिंग फ्रेम में बदलाव आ जाता है। ए रीडिंग फ्रेम कंसिस्टेड 3 बेस ईच कोडन ऑफ फॉर वन अमीनो एसिड, जो रीडिंग फ्रेम होता है उसके अंदर 3 बेसिस का एक सीक्वेंस होता है, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन या कोड करता है। ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन शिफ्ट द ग्रुपिंग ऑफ दीज बेसिस एंड चेंजेस द कोड ऑफ अमीनो एसिड। जैसे ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसमें होता है तो ये ग्रुपिंग को शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से बेसिस आगे शिफ्ट हो सकते हैं या फिर बेसिस के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाता है, और ये जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं या इंफॉर्मेशन रखते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। द रिजल्टिंग प्रोटीन इज यूजुअली नॉन फंक्शनल। इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से जो नए प्रोटीन बनते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन कैन ऑल बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन यानी कि किसी न्यूक्लियोटाइड बेस का ऐड होना और डिलीशन यानी उसमें से डिलीट होना, ही दोनों ही कारणों से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। अब हम देख सकते हैं इंसर्शन में, जैसे कि एन इंसर्शन चेंजेस द नंबर ऑफ DNA बेसिस इन ए जीन बाय एडिंग ए पीस ऑफ DNA।
विच रिजल्ट द प्रोटीन कोड बाय द जीन मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि जो डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें किसी बेस का इसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे प्रोटीन कोडेड की जो इन्फॉर्मेशन है वो बदल जाती है और जो प्रोटीन कोड के अमीनो एसिड होते हैं वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब हम इसमें देख सकते हैं सीक्वेंस दे रखा है टी सी ए वाली सीक्वेंस देखते हैं। टी सी ए एक अलग ही प्रकार के अमीनो एसिड की इन्फॉर्मेशन रखता है जो कि हिस्टिडिन है, HIS। अब अगर हम टी सी ए में टी को चेंज कर टी के अंदर ऐड कर देते हैं, ए बेस इसमें ऐड कर दिया एडिनिन, जिसकी वजह से पूरा ही कोडोन सीक्वेंस आगे शिफ्ट हो जाता है और पूरे कोडोन सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन भी आगे जाके बदल जाती है, जो कि ये ACA एक नया एडिनिन को ऐड करने की वजह से नया कोडोन बन जाता है और ये थ्रियोनिन अमीनो एसिड की इन्फॉर्मेशन देता है, जो आगे पूरा फ्रेम शिफ्ट इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही डिलीशन होता है, डिलीशन में किसी एक न्यूक्लियोटाइड बेस इसमें से डिलीट सीक्वेंस में से डिलीट हो जाता है। अगर हम इसमें देखें चौथा जो इन्फॉर्मेशन है हिस्टिडीन का, जिसके सीक्वेंस है CAT में से ए एडिनिन बेस को न्यूक्लियोटाइड को वहाँ से डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से पूरा ही अमीनो एसिड की जो कोड इन्फॉर्मेशन है वो पूरी ही बदल जाती है। लार्जर डिलीशन कैन रिमूव वन एंटायर जीन और सेवरल नेबरिंग जीन्स, ज़्यादातर जो डिलीट होते हैं जो जीन में से जो भी न्यूक्लियोटाइड जो डिलीट हो जाते हैं, जो कि पूरे सीक्वेंस में चेंजेस कर देते हैं। द डिलीटेड डीएनए में अल्टर द फंक्शन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोटीन, जो डीएनए में जिस डीएनए में जो एडिनिन या फिर किसी भी न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हुआ है तो पूरी प्रोटीन फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये तो था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लास्ट थर्ड है बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। बेस सब्सटीट्यूशन आर म्यूटेशन इन विच वन बेस पेयर इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर। इसमें क्या होता है कि एक बेस पेयर होता है, सीक्वेंस बराबर से लगभग सेम से रहेगी, लेकिन एक बेस पेयर किसी दूसरे बेस पेयर से एक्सचेंज हो जाता है, उसके वो आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। पहला है ट्रांजिशन, ए ट्रांजिशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ बेस बाय द अदर बेस ऑफ द सेम केमिकल। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन में जो बेस होता है वो सेम ही प्रकार के अनदर बेस से चेंजेस होता है, जैसे कि प्यूरिन का प्यूरिन में ही बदलना, जिससे कि गुआनिन और एडिनिन, गुआनिन चेंज हो रहा है एडिनिन में और एडिनिन चेंज हो रहा है गुआनिन में, ये दोनों ही प्यूरिन बेस के कंपोनेंट है। ऐसे ही पिरिमिडिन में भी होता है, जिसमें साइटोसिन थायमिन आते हैं, जिसमें साइटोसिन थायमिन में चेंज हो रहा है तो ये ट्रांजिशन म्यूटेशन कहला जाएगा। ऐसे ही थायमिन साइटोसिन में चेंज हो रहा है तो ये भी ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में ही चेंज होना और प्यूरिन का प्यूरिन में ही चेंज होना ट्रांजिशन म्यूटेशन कहलाता है। अगला है ट्रांसवर्शन, यानी कि उल्टा। इसमें होता है प्यूरिन पिरिमिडिन में चेंज होता है या फिर पिरिमिडिन प्यूरिन में चेंज हो सकता है, जैसे कि इसमें सीक्वेंस दी हुई है एडिनिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो रहा है, एडिनिन थायमिन में, गुआनिन साइटोसिन में और गुआनिन थायमिन में। तो यानी प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो पिरिमिडिन में चेंज होता है और पिरिमिडिन प्यूरिन के अंदर चेंज होता है। अब लास्ट है जीन म्यूटेशन का एग्जांपल। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जीन म्यूटेशन का, वो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो RBCs होते हैं, RBCs की जो शेप होती है वो लगभग सर्कुलर शेप होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो RBC की शेप होती है वो सिकल शेप यानी हंसी या दराती जैसे आकार की हो जाती है, जिसकी वजह से जो RBC में उस व्यक्ति RBC के अंदर शेप चेंज होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की क्षमता बहुत कम हो जाती है और उस व्यक्ति में एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ओनली वन अमीनो एसिड चेंज इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड में एक जरा सा बदलाव होता है, जिसकी वजह से जो RBC की शेप है वो सिकल शेप में हो जाती है। द
the hemoglobin still function, but it folds differently, changing the shape of RBC. हीमोग्लोबिन इसमें लगभग काम तो ठीक ठाक करती है, लेकिन इसकी शेप चेंज होने की वजह से ये थोड़ा सा अपना कार्य करने में थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सिकल सेल में चेंज होने की वजह से जो आरबीसी है उसमें ऑक्सीजन को बनाए रखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो जीन म्यूटेशन का ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आज हमने जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। सेकंड जो म्यूटेशन है वो जीन म्यूटेशन है। तो आज हमने जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे।